Hi everyone, welcome back to the channel. और आज का जो vlog है वो हो रहा है शाम से शुरू. ये मैंने डाटू लगा लिया है क्योंकि ठंड बहुत है. शाम के टाइम सिर में ठंड लग जाए तो फिर सिर दर्द लग जाती है. आज का vlog शाम से शुरू हो रहा है. 5:10 हो रहे हैं और डे है आज. आज कौन सा डे है? आज फ्राइडे है और तारीख है 20. मम्मी पापा दोनों शादी में गए हैं. शादी मतलब यहीं पे गांव में एक छोटा सा गांव है हमारे घर से. थोड़ा पीछे एक और गांव है, वहां पे गए हैं शादी में दोनों. तो मम्मी आने वाले होंगे, तब तक मैंने सोचा कि मैं आग जला देती हूँ. और चूल्हे के पास जो है लकड़ियाँ नहीं है रात का गुजारा लायक, तो वो भी ले जानी है. और ये देखो पापा का जो ये मनी प्लांट लगाया है, ये कितना बड़ा हो गया है. और ये ऊपर सारे बर्तन मम्मी औरों के, मतलब जो एक्स्ट्रा बर्तन है जो किचन में रोज़ रोज़ जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो है कुछ बर्तन इधर जहाँ पे सीढ़ियों के नीचे जो स्टोर है वहाँ पे होते हैं. और ये जो ये वाली फ्रेम है, ये मेरी शादी में गिफ्ट मिली थी. मेरे कलीग था नरेश, उसने मुझे शादी में गिफ्ट करी थी तो मैं लेने गई थी. यहीं पे लगा हुआ है. और आज हमने अपना सोने का जो तामझाम है वो इस रूम में कर दिया है क्योंकि वो वाला रूम थोड़ा आगे पड़ता है, तो रात में मुझे वॉशरूम वगैरह जाना होता तो मुझे यहीं से ज़्यादा इजी लग रहा है. अभी अभी मैं चिप्स खा रही थी तो बस होता. फिर हमारे जो ये देखो बैग वगैरह भी यहीं पे पड़े हुए हैं, तो कपड़े वपड़े सब कुछ जो भी चाहिए होता है सामान वो मैंने यहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो बेड है यहीं को शिफ्ट कर देते हैं. इस बेड में, इस बेडरूम का एक फायदा ये है कि ये जो बेडरूम है ना, ये बहुत ही, अरे थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो बेबी. इस बेडरूम का जो फायदा है वो है ये कि इस बेडरूम में लाइट बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक विंडो ये है और एक विंडो यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से रोशनी आती है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी. बाकी रूम में, जिस रूम में मैं सोती हूँ हॉल में, वहाँ के जो पर्दे हैं वो बहुत थिक है, उस वजह से बाहर की जो रोशनी है वो अंदर नहीं आती है, पर्दे खोलने पड़ते हैं. लेकिन ये जो ये वाले पर्दे हैं ये उतने थिक वाले पर्दे नहीं हैं, तो इसलिए इनमें से जो है रोशनी आ जाती है. तो ये एक फ़ायदे, मतलब फ़ायदेमंद भी है और एक तरह से नुकसान भी है. फ़ायदेमंद इसलिए कि जिनको सुबह जल्दी उठना, उनको जल्दी हवा लाइट बाहर से आ जाती, और जिनको देर से उठने की आदत है, मेरे जैसे जो सोचते हैं कि सुबह एकदम कोजी सी फीलिंग रहे, वैसे उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है क्योंकि लाइट बाहर से बहुत जल्दी आ जाती है तो नींद खुली जाती है. बट फिर मैंने सोचा कि आधे जो है वो 7 बजे उठ जाता है, वो 7 बजे उठ के ही मम्मा मैं जाऊँ मैं उठूँ मैं ऐसा ये सब कुछ करता रहता, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही ठीक है. और दूसरे वाले फ़ोन में भी मैंने व्लॉग जो है वो किया था, तो वो अभी सेव हो रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है फाइल. तो ये था. और यहाँ पे टेबल पड़ा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अपना सामान भी यहीं पे रख देती हूँ. तो ये मेरा मॉइस्चराइज़र है कियारा का, और आजकल इनके जो प्रोडक्ट है ना कियारा के, वो मेरे मोस्ट फेवरेट बन गए हैं. तो इनके मैं बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये इनके ही यूज़ कर रही हूँ आजकल. और ये वो गोल्डन ग्लो स्किन ब्राइटनिंग ऑर्गेनिक ऑयल सीरम जो था वो है. तो ये मैंने यहीं पे रख लिया क्योंकि जब रात को फेस वगैरह वॉश करके किचन से आएंगे तो फिर यहीं पे टेबल पे पड़े होंगे. यहाँ पे बेड है और यहाँ पे टेबल है, तो मेरे लिए भी इजी रहेगा. आदित, मैं किचन में जा रही हूँ आग जलाने, है ना? लाइट ऑन रखूँ? ठीक है. तो ये था. और बाहर ना बहुत तेज वो चल रही है, हवा चल रही है, हवा तूफान जो भी कह लो आप, क्योंकि अभी फिर से, आज फ्राइडे 20 तारीख है, अभी 3 दिन का फिर से वो है भारी बारिश और बर्फबारी का जो है वो अनुमान दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा. तो स्नोफॉल भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, और तूफान ही आए ऐसा भी हो सकता है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है. और मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे यहाँ पर स्नोफॉल तभी होता है जब शिमला की तरफ स्नोफॉल होता है, मतलब जो कुफरी वगैरह नहीं, जब नीचे नीचे दूसरे मेन जो शिमला है वहाँ पे जब स्नोफॉल होता है, तो यहाँ पे भी स्नोफॉल होता है क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ बाड़ीधार, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं मेरा जो मायका है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है. डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक जगह पड़ती है अर्की, तहसील अर्की, तो उससे भी आगे जाके बाड़ीधार एक जगह है, तो वहाँ पे है मेरा मायका. तो ये जो है एकदम जिस लेवल पे शिमला है उसी लेवल पे ये भी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा तो नहीं, खैर एक टाइम था जब हम छोटे छोटे होते तो इतनी बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया है। अब ग्लोबल वार्मिंग ये सब कुछ सारे चक्करों के पीछे अब इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता है, हल्का फुल्का ही होता है। पहले बहुत स्नोफॉल होता है, मुझे अभी भी याद है हमारे यहाँ पे जब स्नोफॉल होता था तो ये हैंडपम्प वगैरह पानी की सप्लाई ऐसा कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे, बावड़ी से पानी लाते थे। तो जो हमारे यहाँ पे जैसे पानी गर्म करते थे भैंसों के लिए, उस टाइम हमारे यहाँ पे गाय बहुत कम होती थी, भैंसें ज़्यादा होती थी। भैंसों के लिए जो बर्फ़ होती थी उसी का पानी पिघला के मतलब गर्म करते थे उस पानी को, वही पानी पिलाते थे। इतनी ज़्यादा ठंड में दिक्कत होती थी पहले, और अब इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती है। तो चलो लकड़ियाँ ले आते हैं पहले। तो हवा की जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और इस पतझड़ के मौसम में सिर्फ एक पेड़ है जिस पे फूल लगते हैं, ये है ये वाला पाजा, हमारे यहाँ पे इसको पाजा बोलते हैं। देखो इसी में फूल खिले, और बचपन में हम इसके पत्ते चाटते थे, इसके पत्ते ना बहुत मीठे होते हैं, हालांकि अब पता चल रहा है कि उसमें कीड़े भी होते थे। ये देखो ये है वो, इसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं। और ये पाजा जो होता है ना, इसकी एक खासियत बताऊं, इसके पेड़ पे अगर जो चेरी होती है ना, चेरी की अगर वो करें कलम लगाई जाए तो इसमें चेरी भी लगती है, ऐसा मैंने पापा से सुना है, औरों से भी सुना है, कंफर्म तो मैं भी नहीं बता सकती, फिर लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, बट ऐसा मैंने सुना है। तो ये रहा हमारा लकड़ियों का ढेर यहाँ पे, तो ये पिछली सर्दियों की काटी हुई लकड़ियाँ हैं, तो बस इनको मैं तोड़ के छोटा छोटा फिर ले जाऊंगी इनको घर। तो ये रही ये लकड़ियाँ, अभी इनफ होगी क्योंकि थोड़ी सी किचन में पड़ी भी हुई है, तो मैं सिर्फ इनको लेके जाऊंगी। और ये देखो बहुत ठंड है, हवा चल रही है, तो चलो चलते हैं किचन में। तो आज दिन में हमारे घर में, दिन से मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि दिन में ना हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे, मतलब मेरी मासी भाभी भाई वो आए थे, और मेरी मामी की लड़की है वो भी आई थी। तो मेरी जो मामी है ना वो यहीं से नज़दीक से ही है, तो उसका नानका है यहाँ पे मामी की लड़की का, तो वो आई थी अपनी नानी के घर पे, फिर वहीं से इधर भी आ गई क्योंकि मम्मी उसके बुआ लगते हैं, तो सुबह आ गई थी वो, तो फिर वो भी शाम को जैसे गई वापस। और मासी वगैरह तो दिन में चले गए थे क्योंकि उनकी फैमिली में शादी थी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मंदिर है ऊपर, वहाँ पे मत्था टेकने आए थे। मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ। तो अभी लाइट कम है किचन में, धीरे 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 बढ़ती जाएगी। वो रेड लकड़ियाँ मैंने वहाँ पे कुनी में रख दी है, और लेके आते हैं एक बहुत ही फ़ायदे की चीज़ जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं प्लाठू। प्लाठू मतलब उससे ना आग जल्दी जल जाती है, वो मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्लाठू क्या होता है। तो वो यहाँ से ले लेते हैं, ये रखे हैं यहाँ पे, एक ले लेते हैं, इससे आग जल जाती है जल्दी। और ये देखो यहाँ पे ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, पेठा तोरी जो भी बोलते हैं, कद्दू, काकड़ी, काकड़ी इज एक्चुअली खीरा, खीरे को हमारे यहाँ पे काकड़ी बोलते हैं। और चलो चलते हैं अंदर क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो गई है। वो एक चेयर बाहर रह गई, वो भी मुझे अंदर लानी पड़ेगी। तो देखो किचन की लाइट धीरे धीरे बढ़ रही है ना, इसका यही रहता है पंगा। तो मैं पहले आग जला लेती हूँ, है ना।
यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ इसमें लस्सी में से मक्खन। लस्सी जो है ये मशीन लगाई थी, उसके बाद फिर मम्मी फिर से शादी में चले गए थे, तो यहाँ पे मैं मक्खन निकाल रही हूँ। और उतना ढंग से तो मुझे नहीं निकालना आता है, क्योंकि जो काम रोज़ रोज़ करते हैं वही परफेक्शन से हो पाता है। और बहुत से लोगों के कमेंट मुझे आए थे कि आजकल आप अपनी भाभी को क्यों नहीं ले रहे हो ब्लॉग में, तो भाभी तो मेरी फिर से भाग गई है भाग गई है इन दी सेंस कि वो वहाँ सोलन में रहते हैं, तो वो फिर से चले गए हैं, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का भी इशू रहता है, और फिर एग्ज़ाम्स वगैरह भी है, क्योंकि यहाँ पे विंटर वेकेशन चलती है, तो बच्चों के जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है अब होंगे, तो फिर वो चले गए थे। और उनके शादी भी थी मायके की तरफ, बुआ के बेटे की आई थिंक, तो इसलिए वो चले गए थे। मतलब वैसे वाले नहीं भागे पर अपने घर को भाग गए हैं, तो इसलिए उनको आजकल ब्लॉग में नहीं आ रही हूँ ला रही हूँ मैं। और ये भी कमेंट आया था कि राशि और मनन को भी ब्लॉग में लेना, तो अभी तो वो है नहीं यहाँ पे, जब आ जाएंगे तो फिर उनको भी ब्लॉग में ज़रूर लिया जाएगा, पर अभी वो है नहीं यहाँ पे, वो सोलन चले गए हैं। आज मैं और आदित्य दोनों बेचारे अकेले बच गए हैं, तो यहाँ पे ये रहा मक्खन, ये फिलहाल मैंने अभी ऐसे रख दिया है, फिर जब मम्मी को जैसे भी करना होगा आके वैसे कर लेंगे। मतलब मैंने निकाल दिया है लस्सी में से, और रोटी बनाऊंगी मैं, अब साग बना हुआ है सुबह का, अब मुझे बनानी है मक्की की रोटी अपने लिए, और चपाती मैक्स के लिए अपने लिए, और आदित्य के लिए मक्की की रोटी। पापा भी शादी में, मम्मी एक शादी से वापस आ गए थे, फिर दूसरी शादी में फिर से चले गए, तो वो थोड़ी दूर है, 10-11 किलोमीटर दूर है, तो यहीं पे साथ में पड़ोसी हैं, वो भी जा रहे थे गाड़ी लेके, तो फिर मम्मी उनके साथ चले गए, क्योंकि फिर खाने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे मुझसे बैठ के ना खाना बन नहीं पाता है, बट एक दो रोटी बनानी है तो वो तो बन ही जाएगी, और मैक्स के लिए फुलके बनाने तो भी मैं बना लूँगी, बट अभी टाइम उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 6:30 हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे वैसे करके बना लूँगी खाना जल्दी से, क्योंकि मक्की की रोटी बनाने में वैसे ही टाइम नहीं लगता है। फुलके के लिए आटा गूंदा हुआ है, बनाना ही है, बस साग गर्म ही करना है, तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना था उसमें पूरे में ही तड़का लगा दिया है। तो आदित्य बेटे ठंड लग जाएगी, पटरे पे बैठो और इधर आग की तरफ करो ना पैर, पैर सेक लेने चाहिए ना, ठंड लगती है ना। नंगे पैर आए हो? नंगे पैर आए कमरे से भाग के? अच्छा, तो बस ऐसी सी बात थी। अब यहाँ पे आग भी सेकते रहेंगे, यहाँ पे ये पानी गर्म होता रहेगा धीरे धीरे, फिर सोने के टाइम पे इसी पानी से पैर सेक लेंगे। बर्तन धोने के लिए भी यही हो जाता है, मैंने गीजर ऑन ही रख दिया है, गीजर बंद कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी टंकी में पानी नहीं है, गीजर बेचारा ऐसे ही सूखा ही जलता रहेगा। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, खाना वाना बना लेती हूँ। मैंने और आदित्य ने खाना खा लिया है, और हम पूरा काम जो है निपटा दिया है अपना, मतलब खाना खाया है, तो ये बची हुई लकड़ियां हैं इनको हम डाल देंगे यहाँ पीछे वाले, इसमें सुबह निकाल देंगे, मतलब अभी कर देंगे, क्योंकि फिर धुआं हो जाता है, फिर धुआं ही धुआं हो जाता है, तो ये भी यहाँ रख देते हैं। और मैं बताती हूँ, और सुबह उठते ही आग जलाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरीके से ये जो गोबर का उपला है इसको हम दबा देते हैं चूल्हे में, और ये जो आग है इसको कर देते हैं ऐसे ऊपर, ऐसे करके। तो इससे क्या होता है कि ये जो उपले को हमारे यहाँ पे गोइटू बोलते हैं, तो गोइटू जो है वो सुलगता रहता है धीरे धीरे, और सुबह तक ये सुलगा रहेगा, फिर जब सुबह मम्मी उठेंगे तो उनको आग जलाने में दिक्कत नहीं होगी, वो ऐसे उखाड़ के उसको निकाल देंगे गोटू को, और फिर उससे आग जला लेंगे आराम से, इतना ज़्यादा उन्हें होता है। और हमारे यहाँ पे ना मेरे दादा थे, वो हमेशा बोलते थे कि चूल्हे की आग ना कभी बुझनी नहीं चाहिए, मतलब जो चूल्हा जलाते हैं ना, चूल्हे की आग बुझनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए ऐसा करते थे। अब मैंने ये कर दिया है ऐसे, और मैं और आदित्य जाएंगे अब सोने के लिए, पेट पूजा हमारी होगी ये, दूध हमारा। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा ना ऐसे जलन हो रही है गले में, क्योंकि आई थिंक घी खा के होती है या पता नहीं मुझे, कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता, कभी कभी होती है मुझे। तो आदित्य चलें अब सोने, तो बस हम चले जाएंगे, पापा अभी भी नहीं आए, मम्मी भी नहीं आए हैं,
तो मैं वो एक दरवाजे में बाहर से कुंडी लगी हुई है, एक मैं यहाँ से अंदर से लगा दूंगी, तो वो जब भी वो आएंगे तो खुद बाहर वाली, दो दरवाजे हैं दो एंट्रेंस है, तो वो उधर वाली खोल लेंगे खुद और खुद आ जाएंगे। और हमें ना वो नहीं मिल रहा है पैर धोने के लिए तसला, तो मैं दूसरा ही ले आती हूँ पैर धो लेते, क्योंकि पानी ना एकदम खोलता हुआ गर्म है, ये देखो बहुत गर्म है। तो मैं बाथरूम, एक मिनट, जो बाथरूम में टब पड़ा है ना वही ले आती हूँ, वही ले आती हूँ ना, तू धोने है ना पैर, वही ले आती हूँ। यहाँ जैसे ठीक आता है, वहाँ जैसे बैठ के लाइट कम आती है, और बाहर बहुत तेज हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आई थिंक पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू शुरू क्या है, वैसे तो हो चुका है बट फिर से दोबारा, क्योंकि ऐसा होता है ना एक बार पड़ेगी फिर वो उतनी ज़्यादा नहीं टिकती है बर्फ, पिघल जाती है जल्दी से, फिर जब दूसरी तीसरी बार पड़ती है ना अच्छी खासी तब जाके मतलब वो बर्फ जो है वो जमती है, अदरवाइज पिघलती रहती है पिघलती रहती है, पड़ती है पिघलती है पड़ती है पिघलती है, ऐसा होता है। तो चलो हम लोग धो लेते हैं पैर, फिर जब मैं सोने जाऊंगी बेड पे फिर मिलूंगी आपसे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब सोने के लिए, थोड़ी लाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सी आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि कैमरा का जो एंगल है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। तो मैं फेस वॉश करके आ गई थी और हाथ पैर धो के, तो यहाँ पे जो वो ऑयल सीरम है जो मैं लगाती हूँ गोल्डन ग्लो कियारा वैदिक का, वही लगा रही हूँ। तो ये मैं रोज़ रात को अप्लाई करती हूँ, थोड़ा सा नीचे भी गिर गया, तो ये रोज़ मैं रात को जो है अप्लाई करती हूँ, और ये बहुत दिन चलने वाला है मुझे लगता है, अभी मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसको अच्छे से हल्का सा मसाज करना है फेस पे, और फिर उसके बाद मैं अपने हाथ जो है उस पर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, तो स्किन का जो प्रॉपर मॉइस्चराइज़र जो है लगा के सॉफ्ट रहती है। तो ये जो ब्लॉग है इसको भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना, और चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना, और आजकल सर्दियाँ बहुत हो रही है तो ध्यान रखना, और हिमाचल में बहुत सी जगह पर अब जो है वो कर्फ्यू लग गया है, 3-4 जगह पे जो है वो कर्फ्यू लग गया है, मतलब रात को लगा है 8 से 6 कुछ ऐसे, तो आप लोग भी ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो चलो वैसे आप लोग खुद ही समझदार हो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।